वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर आज्ञा प्रसाद द्विवेदी की भोजपुरी कहानी संग्रह नेह के नाता पुस्तक विमोचन का आयोजन रविवार को दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मिश्रा, प्रोफेसर रामदरस राय, डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, डॉक्टर दिनेश मिश्रा, डॉक्टर रविन्द्र श्रीवास्तव, जुबानी सहित कथाकार डॉक्टर प्रसाद द्विवेदी व अन्य साहित्यकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके पश्चात छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर आज्ञा प्रसाद द्विवेदी की भोजपुरी कहानी संग्रह नेह के नाता पुस्तक का विमोचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पुस्तक के शीर्षकों और कहानी पर अपने विचार रखते हुए डॉक्टर आज्ञा प्रसाद को शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए कथाकार डॉक्टर आज्ञा प्रसाद ने कहा कि पुस्तक में मुख्य रूप से वर्तमान समय में वृद्ध व्यक्तियों के अपने ही घर में हो रहे उत्पीड़न को दर्शाया गया है, जिसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। के बारे में कहानी पाठ तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी कहानी पाठ करना, केवल इस कहानी संग्रह के बारे में आज्ञा प्रसाद द्विवेदी क्या सोच रहे होंगे इस कहानी लिखने के पहले और आज के समय में क्या सोच रहे हैं इस कहानी लिखने के बाद अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए मैं आज्ञा प्रसाद द्विवेदी जी से अनुरोध कर रहा हूँ। भोजपुरी में बोल बतिया लेता हूँ, ये दिगर बात है कि हमारा ये सारा कार्यक्रम भोजपुरी संगम के बैनर तले हो रहा है
लेकिन मैं आपसे अपनी संवाद की बात भोजपुरी में न करके खड़ी बोली में कर रहा हूँ। हालांकि भोजपुरी में भी बतियाने की और आपसे कुछ बातों को शेयर करने की हम अपनी इच्छा रख रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमारे सारे प्रोफेसर लोग हिंदी भाग से आ रहे हैं, सबकी अपनी बात हिंदी में होगी। हालांकि हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी भाग में भोजपुरी का भी पाठ्यक्रम है, एक प्रश्न पत्र है, लेकिन फिर भी जो एक स्वभाव बन जाता है हिंदी में बोलने बतियाने का, वो स्वभाव भोजपुरी में कम हो पाता है। और आपसे मैं बताऊं, मेरे अत्यंत एक आदमी पढ़े लिखे सज्जन ने कहा कि आपने इतना परिश्रम किया है, कहानी संग्रह तैयार किया है भोजपुरी में, कि आप जानते हैं इसके पाठक कितने होंगे। उनका ये कहना है कि समाज में पढ़े लिखे वर्ग में 2% भी पाठक जो है भोजपुरी की किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, कहे बोल घर में बोल बतियाने में अलग बात है, लेकिन भोजपुरी की किताब को पढ़ना ये मुश्किल है। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बात कही, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसी बात होगी। हमारे सारे प्रेमी जो हमारे आमंत्रण पे यहाँ आए हैं, सारे साहित्यकार मित्र, नहीं छोई भाई भोजपुरी प्रेमी, मैं जानता हूँ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सारी कहानियाँ जो अभी हमारे प्रियवर बिमलेश जी ने कहा कि पहली कहानी तो प्रिंसिपल लोगों पर है, जहाँ के माहौल से मैं रहा हूँ डिग्री कॉलेज में, और अंतिम कहानी वाइस चांसलर पर है, जो हम लोगों के कॉलेजों के स्वामी होते हैं, उसके अधिपति होते हैं। एक बैंक है, वह कोई व्यक्तिगत टच नहीं है, बैंक के रूप में है, लेकिन से सारी 15 कहानियाँ हमारे आज के समाज में, आज के इस विसंगतपूर्ण समाज में, आज के माहौल में, हमारे परिवारों में जो स्थित हो रही है वृद्धों की, किस प्रकार से वृद्ध हमारे समाज में हाथी पर डाल दिए गए हैं, हमारे घरों में हाथी पर डाल दिए गए हैं, उनके लिए पूरे घर के उस विशाल हवेली में, अट्टारिका में एक कायदे का कमरा नहीं है सुसज्जित, वो कहीं कोने अतरे में है, कहीं तहखाने जैसा है, कहीं बरामदे में है, तो कहीं जो है उनके स्टोर रूम के पास में है या स्टोर रूम में है, जो आज की स्थित हो रही है, एक शहर की नहीं पूरे देश की हो रही है, महानगर से लेकर के छोटे नगर तक वे वृद्धाश्रम पर भेज दिया रहे हैं। जिन लोगों ने जीवन भर कमा करके परिवार को बढ़ाया, परिवार की बल वृद्धि किया, बढ़िया से बढ़िया मकान बनवा दिया, सारी व्यवस्था रचा, जब ये आते हैं चौथे पन में तो उनके लिए अपने ही घर में सहारा नहीं है, बेसहारा है। और मैंने सारे दृश्य अपनी आंखों देखा है, अपने अगल बगल देखा है, आंखों देखा है, मेरे लिए सारी कहानियाँ चश्मदीद गवाह के रूप में है समाज के लिए, मैं उसका आई विटनेस हूँ।